मंगल राज कहने वाले लोग राक्षस राज चलाने की इजाज़त नौजवान और बिहार की जनता नहीं देगी। बैसाखी पर चार चार लोग दल मिल करके जोड़ कर तोड़ कर सरकार में बैठे हैं, जिस दिन हम लोग चाह लेंगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि तोड़ देंगे, अरे तोड़ कैसे दीजिएगा? ये जो बंधन है ये जनता का बंधन है तेजस्वी यादव के साथ, जनता का सैलाब है, इसे जो रोकेगा अता पता नहीं रहेगा। पहले अपनी पार्टी बचाएं, नहीं तो नामो निशान मिटने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह बन चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही ललन सिंह जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजद को घेरा है और साफ तौर पर बिहार के युवाओं से यह अपील की है कि आप अपने बड़े बुजुर्ग से या पूछिए कि 1990 से लेकर 2005 के वक्त का कैसा दौर था। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम उनसे बात करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह हो गए हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गए हैं और जंगल राज का को याद दिला रहे हैं। अब कितना एक ही कैसेट बजाएंगे, घिसा पिटा कैसेट। अभी तो 6 महीना 8 महीना भी नहीं बीता है, चुनाव हुआ है ना, जनता के बीच में गए थे और यही कैसेट बजा रहे थे। जंगल राज कहने वाले लोग राक्षस राज चलाने की इजाज़त नौजवान और बिहार की जनता नहीं देगी, इसलिए जनता ने करारा तमाचा मारा और 3 नंबर की पार्टी बना दी। नौजवान पूछ रहा है हमारा रोज़गार कहाँ है, बेरोजगारी दूर करने के लिए ट्वीट नहीं करते हैं कि हम रोज़गार की व्यवस्था कर रहे हैं। ये वही कैसेट जो 90 के दशक से बजा रहे हैं। अरे तनिक भी शर्म रखिए, लोकलाज रखिए। आप जिस नौजवान को कह रहे हैं वो दर दर की ठोकर खा रहा है और उसे आप राहत देने के बदले, आश्वासन देने के बदले कि हम रोज़गार देंगे, जब रोज़गार के लिए सड़कों पर नौजवान निकलता है लाठी और गोली चलाते हैं, और अभी ट्वीट करके कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों से पूछो। यही चीज़, यही बात घूम घूम कर 32 हेलीकॉप्टर लेकर विधानसभा के चुनाव में कह रहे थे। इसके बाद भी जनता ने 1 नंबर की पार्टी बनाई राष्ट्रीय जनता दल को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को अपार जनसमर्थन दिया। सिर्फ युवाओं ने नहीं, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, बिहार की आम आवाम हो, माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, सबका आशीर्वाद से आज इतना वोट मिला और फर्स्ट डिवीजन कर गए तेजस्वी यादव जी। तो अब चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आदरणीय ललन बाबू को कुछ न कुछ करना है, दिखाना है। पहले अपना पार्टी के गुटबाजी को तो शांत कीजिए। अभी तो जेडीयू के आधे से अधिक सांसद नाराज हैं, वो किस समय कहाँ चले जाएंगे, पहले उनको न रोकें। अभी क्या क्या खेल होगा जेडीयू में, ये अभिनंदन कराने से और राजद का कहानी कहने से काम नहीं चलेगा। अब तो सीधी लड़ाई थी 15 साल बनाम 15 साल, और सब लोग अपनी अपनी हैसियत औकात देख ले। बैसाखी पर चार चार लोग दल मिल करके जोड़ कर तोड़ कर सरकार में बैठे हैं, संख्या बल कितनी है ये भी सबको पता है। तो जिस दिन हम लोग चाह लेंगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी और इनके सारे सांसद चले जाएंगे। जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं, जिनके घरों के खुद दरवाजे खिड़की शीशे के हो, दूसरे के घरों में पत्थर ना फेंकें, ये सोच रहे हैं लोजपा को, इसको निर्दलीय को तोड़ लिए हैं तो बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं। अभी सांसद बचाएं, विधायक बचाएं अपना। एक सवाल है कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई है उसी तरह अब तेजस्वी यादव भी तैयार रहे, राजद में भी बड़ी टूट होने वाली है। 6 महीना पहले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे थे, ये बिहार की जनता भूल गई क्या? ये तो पूरा आप लोग के पास भी वीडियो क्लिपिंग है ही है। अब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नया नया गए हैं, वहाँ कंपटीशन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, नहीं बन पाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि तोड़ देंगे, अरे तोड़ कैसे दीजिएगा? ये जो बंधन है ये जनता का बंधन है तेजस्वी यादव के साथ। चुनाव में तो घूम रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए, सबको ठिकाने लगा दिया जनता ने।
और कौन कहाँ है सदन में, किसकी कितनी संख्या। आज फिर जहाँ गए हैं दो बार वहाँ छोड़कर निकले, तो ठीक है कि आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सब दिवा स्वप्न मत देखिए। इसीलिए कि जिस दिन चारों खाने चित्त जनता ने कर दिया, उसके बाद भी आप ये जो गाल बजा रहे हैं, इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त आपको मुबारक हो। तेजस्वी यादव जी को जितना पार्टी को तोड़ने का कोशिश करते रहिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ जनता जुटी हुई है और तेजस्वी यादव जी को चिंता है बिहार को बनाने की, और इन लोगों को चिंता है तेजस्वी यादव को तोड़ने की। ये तेजस्वी यादव जी गाजर मूली है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। कितना वोट है तेजस्वी यादव जी के पास, जनता का सैलाब है। इसे जो रोकेगा अता पता नहीं रहेगा, पहले अपनी पार्टी बचाएं, नहीं तो नामो निशान मिटने वाला है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कल उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, उसके बाद वो पहले अपनी पार्टी को बचाएं, उसके बाद ही दूसरों की चिंता करें। बहरहाल बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।